नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सूरज शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग क्या है? एक अपने आप में एक अच्छा सिलेबस है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर रीजनिंग से प्रश्न किए जाते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कैलेंडर के अपन ने क्या किया था, बेसिकली इसका अभी इंट्रोडक्शन अपन ने शुरू किया है। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी क्लास को पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास को जाकर YouTube चैनल पर जाकर मेरी पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। और ये पर जब मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेरी अभी तक पिछली वाली क्लास कैलेंडर की पहली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप भी मेरी पहली क्लास को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं मेरे साथ तो आपको टेस्ट वन पे प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। तो टेस्ट वन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डीजी सर क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर स्टोर पे जाकर आपको टेस्ट वन मिलेगा। दोस्तों, जो इसकी वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहने वाली है और ये जो मिलेगा आपको 99 रुपीज़ के अंदर मिलने वाला है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। उसके बाद क्लास की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना रहने वाला है कि जब अगर किसी पक्षी को कैद कर लिया जाता है तो उसकी जो मन की आवाज़ है वो क्या आवाज़ होती है, मतलब वो कहना क्या चाहता है अपने से, उसको सुनिएगा कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। अरे जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ क्लास की अपन शुरुआत करने वाले हैं। अपन ने पढ़ लिया था कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, और एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म भी हो जाता है, और एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, वो समाप्त होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए। कंसेप्ट क्या रहने वाला है कि आपको आज की क्लास के बाद मंथ का कोड रटना नहीं पड़ेगा। मंथ का कोड क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। मैं पूरी तरह से एक अच्छी सी ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप मंथ का कोड इजीली लर्न कर सकते हैं, उसको बेसिक से समझ सकते हैं कि बेसिकली जो मंथ के कोड आप जो रटते हुए आ रहे हैं अभी तक उनको रटना नहीं है, वो आए कहाँ से, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ आज मैं वार निकालना। किसी भी गिवन डेट के अंदर वार निकालना विद इन 5 सेकेंड विद इन 10 सेकेंड आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अपन यहाँ देखेंगे। अगर सिंगल डेट दे रखी होगी तो कैसे निकालेंगे, दो दिनांक दे रखे होगी तो कैसे निकालेंगे, अपन वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले आप नोट लगाए के दो छोटे छोटे पॉइंट लिखिएगा। पहला जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा, पहला जो नोट है, एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है। जैसे अगर एक जनवरी 2019 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों, उसी ईयर के अंदर जो आपका 31 दिसंबर होगा उस दिन क्या होगा, आपका सोमवार ही रहने वाला है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त हो जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2021 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2019 को गुरुवार होगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैलेंडर में क्या होता है कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके उसी दिन समाप्त हो जाता है, और एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त हो जाता है। अब आगे देखेंगे, मंथ के कोड यहाँ लिखने वाले हैं, लेकिन मंथ के कोड लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अपना ओड डेज जीरो हुआ तो कौन सा दिन मानते हैं, वन हुआ तो कौन सा दिन मानते हैं, टू हुआ तो कौन सा होता है, थ्री होता है तो कौन सा होता है, सबसे पहले वो देखिए। यहाँ देखिए एक टेबल है अपनी, यहाँ है वार और यहाँ है विषम दिन। और विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाकर विषम दिन निकाले जा सकते हैं। तो देखिएगा, विषम दिन जीरो हुआ तो कौन सा वार होगा, वन हुआ तो, टू हुआ तो, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। क्या 7 हो सकता है विषम दिन? नहीं, 7 कभी विषम दिन नहीं हो सकता। कर जीरो हुआ तो कौन सा वार, रविवार, वन हुआ तो सोमवार, दो को क्या मानते हैं मंगल, तीन को क्या मानते हैं बुध, चार को क्या मानते हैं गुरु, पांच को क्या मानते हैं शुक्र, और 6 को क्या मानते हैं शनि। यानी ये होते हैं सप्ताह के दिन। यानी सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है, हमेशा मंडे से होती है। सप्ताह की शुरुआत हमेशा मंडे से होती है, और अगर अपना ओ डे जीरो है तो रविवार होगा, वन है तो सोमवार, दो है तो मंगलवार, तीन है तो बुधवार, चार है तो गुरु, ऐसे करके अपने दिन होते हैं। ऐसे दिनों की संख्या अपने को निकालनी है। तो ये थी एक सिंपल सा ओड डे से रिगार्डिंग वार देखना। अब चल रहे हैं वार ज्ञात करना। वार कैसे ज्ञात किए जाएंगे, देखो वार ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली क्या याद रखनी पड़ेगी, एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी आपको, एक टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो टेबल बनाते हैं, सबसे पहले ये है अपना नॉन लीप ईयर के अंदर, ये है अपना लीप ईयर, और ये है अपने कोड, उसके कोड क्या रहने वाले हैं। तो मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 1 2 3। ये है अपना नॉन लीप ईयर, यह है लीप ईयर, और यह है अपने पास
मंथ कोड, जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों, मैं आपको कोड लिखना सिखा रहा हूँ। आज के बाद आपकी कोड को रटने की समस्या बिल्कुल ख़त्म है। आज के बाद आपको कोड बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। देखो क्या होता है, नॉन लीप ईयर की मैं बात करूँ तो इसका 0, 33, 614, 625, 035, इसका लीप ईयर का 623, 614, 625, 035। दोस्तों ये है अपने मंथ के कोड। मंथ के कोड आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मंथ के कोड याद रखने हैं। लेकिन ये तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन अगर आप अब कभी भूल जाएं तो आप इनको बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो बेसिक देखो इसका। मान लीजिए आपको नॉन लीप ईयर के लिए मंथ का कोड लिखना है। किसके लिए लिखना है, नॉन लीप ईयर के लिए क्या लिखना है आपको, मंथ का कोड लिखना है। तो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही क्या बताया था कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि वहाँ आपका कोई भी क्या नहीं है, एक्स्ट्रा डे नहीं है या ओड डेज नहीं है। ये मान सकते हैं अपन, क्या लर्न करने के लिए या याद रखने के लिए अपन क्या मान सकते हैं कि एक लीप ईयर जिसको शुरू हो रहा है उसी को ख़त्म हो रहा है, यानी एक अपना एक्स्ट्रा डे या वार नहीं आ रहा। तो जनवरी का कोड अगर आपको लिखना है, जनवरी कोड आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जीरो क्या है अपना, यानी जिसको ख़त्म हुआ वहीं समाप्त हो गया। तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड जीरो होगा। इसका कोड क्या होगा, आप हमेशा याद रखें, जीरो होगा। मान लीजिए आपको किसका कोड लिखना है, फेब का कोड लिखना है, फेब का कोड लिखना है। तो देखिएगा कैसे याद रखेंगे आप, फेब का कोड लिखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, फेब का कोड लिखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रीवियस मंथ जो निकल चुका है उसके ओल्ड डेज आपको देखने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। प्रीवियस, ये प्रीवियस मंथ ओल्ड डेज है, प्रीवियस मंथ क्या है, ओल्ड डेज है। उसके बाद प्लस जो करंट मंथ चल रहा है आपका, उसमें भी ओल्ड डेज देखने पड़ेंगे। और करंट मंथ कौन सा है, फेब। फेब के अंदर ओल्ड डेज कितने होते हैं अपने पास, 0। तो ओवरऑल मिला के इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से अगर आपको मार्च का कोड लिखना है, मार्च का कोड आपको लिखना है तो देखिएगा, प्रीवियस तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस तो लिखना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस कितना है, 3 प्लस उसका सेल्फ के ओल्ड डेज भी निकले लिखने पड़ेंगे। मार्च में कितने, 3। 3 और 3 कितने, 6। ये मार्च हो गया। उसके बाद आपको अप्रैल का लिखना है। अप्रैल का लिखने के लिए आपको प्रीवियस लेना पड़ेगा। प्रीवियस कितना है, 6 प्लस अप्रैल का भी विषम दिन लेने पड़ेंगे। अप्रैल में कितने होते हैं, 2। ये मैं जो 2-3 जो बता रहा हूँ आपको, कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि अपना जो मार्च होता है 31 डेज का होता है, इसमें मैंने 7 का डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा, 3। जो रिमाइंडर बच गया वही मेरा ओल्ड डेज है, 3 बच गया। यहाँ से अप्रैल का निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो प्रीवियस मंथ का जो कोड था वो यूज़ किया, वो लेना पड़ेगा 6। प्लस जो करंट में निकालना चाहते हैं उसके ओल्ड डेज लेने पड़ेंगे अपने को। उसके ओल्ड डेज कितने हो जाएंगे, 2। 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो ओल्ड डेज अपने कभी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 7 का डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा, 1। जो ये बचेगा यही क्या होगा, मेरा अप्रैल का कोड होगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी। अगर आपको एक सेकेंड रुकेगा,
वन जो ये आएगा, ये मई का कोड आएगा, आपको क्या करना है, जनवरी का आ गया, फरवरी का लिखने के लिए आपने लिख लिया, फिर मार्च का अगर आपको लिखना है, मार्च का अगर आपको कोड लिखना है तो उसका यहाँ देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ देखिए, मार्च का कोड लिखने के लिए आपको प्रीवियस कोड लेना पड़ेगा, प्लस इसका फरवरी का भी लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? फरवरी का भी लेना पड़ेगा। तो इसका कितने हो जाएंगे अपने पास, फरवरी में कितने होते हैं, जीरो, तो तीन इसके हो गए। उसके बाद अगर आपको अप्रैल का लिखना है, अप्रैल का लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अप्रैल का लिखने के लिए प्रीवियस को देखेंगे, प्रीवियस कितना है अपने पास, तीन, कोड प्लस, और मार्च में विषम दिन होते कितने हैं, तीन ही होते हैं, तो कितना हो जाएगा, सिक्स। उसके बाद है मई, मई का कोड अगर आपको लिखना है, सिक्स यूज में आएगा, प्रीवियस प्लस, सिक्स यूज में आया प्लस, लेकिन अप्रैल के भी तो विषम दिन लिखे जाएंगे, यहाँ पिछला वाला यूज करना है नेक्स्ट को लिखने के लिए, इसका कुछ भी यूज नहीं करना। क्या कंसेप्ट याद रखना है आपको, कंसेप्ट यही याद रखना है, अगर आपको कोड को जनरेट करना है तो प्रीवियस मंथ का ही ओड और प्रीवियस मंथ का ही कोड यूज किया जाएगा। देखो सिक्स यहाँ था और टू इसके ओड डेज हैं, तो कितना बच जाएगा, वन। अगर आपको जून का यूज करना है, जून का लिखना है, तो प्रीवियस में कितना है, वन, प्लस इसमें ओड कितना है, थ्री, तो कितना हो जाएंगे, फोर। तो देखेंगे जून का कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। जुलाई का अगर आपको लिखना है तो जून का यूज किया जाएगा, कितना है, फोर, और जून में कितने, टू, तो कितना आ जाएगा, सिक्स, सिक्स आ रहा है आपका जुलाई में। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सभी मंथ का कोड आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने पास मंथ के कोड, मंथ के कोड मैंने आपको बताए। सेम अगर आपको जुलाई तक आप पहुंच चुके हैं, जुलाई के बाद आप देख लीजिए अगस्त का अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अगस्त का निकालने के लिए आप जुलाई का ही यूज करेंगे। जुलाई कितनी है, सिक्स, जुलाई में कितने होते हैं, थ्री डिवाइडेड बाय, तो कितना, टू। उसके बाद सितंबर का अगर आपको निकालना है तो अगस्त का यूज करेंगे, टू प्लस अगस्त में कितने होते हैं, थ्री, फाइव, और डेज थ्री होते हैं। उसके बाद अक्टूबर का अगर आपको निकालना है तो अक्टूबर में फाइव यूज करना है और सितंबर में कितने होते हैं, दो, कितना आ जाएगा, जीरो, सेवन बाई सेवन, जीरो। नवंबर का आपको यूज करना है तो अक्टूबर का यूज किया जाएगा और अक्टूबर के क्या यूज किए जाएंगे, ऑड डेज यूज किए जाएंगे, कितना हो गया, थ्री, अक्टूबर में थ्री, तो ओवरऑल थ्री। यहाँ से दिसंबर, दिसंबर के अंदर देखिएगा, दिसंबर के अंदर आपको लिखना है तो पुराना कोड थ्री प्लस नवंबर में कितने, टू, फाइव। तो देखिएगा दोस्तों, जीरो डबल थ्री मैंने मिटा दिया, जनवरी फरवरी मार्च का था, उसके बाद अप्रैल का 614, वही है 614। उसके बाद क्या आ रहा है अपना 625, देखो 625, और उसके बाद क्या आ रहा है, 035। तो जो ये नॉन लीप ईयर के कोड थे वो मैंने यहाँ से आपको समझाया, बेसिक से बिल्कुल आपको समझाया है। अगर आपको आज के बाद इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे अपने पास मंथ के कोड, ये है अपने मंथ के कोड थे। अब देखते हैं नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर में अगर लीप वर्ष के अंदर आपको कोड निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, आपको कोड निकालना पड़े तो कैसे निकलेंगे, जनवरी का कोड लिखते हैं, जनवरी का कोड लिखते हैं। दोस्तों यहाँ नॉन लीप ईयर में दिसंबर में कितना बचा हुआ है, कितना कोड बचा हुआ है, फाइव, कितना बचा हुआ है, फाइव को यूज करना है, क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है प्रीवियस मंथ का कोड यूज करना है, मैंने फाइव यूज किया। और लीप वर्ष में क्या होता है भाई, लीप वर्ष में होता है कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है अपना, उसी उसके अगले दिन क्या होता है, वो खत्म होता है, तो एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है अपना लीप वर्ष में, तो एक इसमें और ऐड कर दिया जाता है।
तो जनवरी का कोड क्या बन गया, 6 बन गया। अगर आपको फैब का कोड लिखना है, किसका कोड लिखना है, फैब का कोड लिखना है, तो प्रीवियस को यूज करो प्लस इस जनवरी का क्या करो, ओड डेज यूज करो, 3 9 बाई 7 2 6 2 6 2। मार्च का लिखना है, चलो 2 प्लस फेब का बताओ 1 3, क्योंकि फेब 29 की होती है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो 2 प्लस 1 कितना, 3। चलो ये हो गया लीप वर्ष में 6 2 3 से स्टार्टिंग थी, 6 2 3 से स्टार्टिंग थी, फिर इसके बाद क्या होगा, सारे के सारे कोड क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। आप देखना निकाल के, इनको निकाल के देखना आप, ये रिपीट हो जाएंगे। मैंने नॉन लीप ईयर और लीप ईयर के कोड आपको बनाना सिखा दिए हैं, आज के बाद आपको इन कोड को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शताब्दी कोड, क्या बताने जा रहा हूं दोस्तों, शताब्दी कोड, फिर उसके बाद सीखेंगे अपन वार निकालना, क्या निकालना सीखेंगे, वार निकालना, शताब्दी वर्ष, और ये है कोड। अगर अपने पास 16वीं शताब्दी हो, 17वीं शताब्दी हो, 18वीं शताब्दी हो और 19वीं शताब्दी हो, उन्नीसवीं के बाद वापस से 20वीं हो, 21वीं हो, 22वीं हो या 23, इसके बाद वापस से 24 भी हो, या इससे पहले कुछ और हो, 1600 से पहले कुछ और हो, यानी कि 1500 हो, 1400 हो, 1300 हो, 1200 हो, तो इनके कोड क्या रहने वाले हैं, इनके जो कोड रहने वाले हैं, इधर देखिएगा कोड जो रहने वाले हैं इसके क्या रहने वाले हैं, इसका कोड रहेगा 6, इसका कोड रहेगा 4, इसका कोड रहेगा 2, इसका कोड रहेगा 0। दोस्तों ये है इनके शताब्दी कोड। अब अपन क्या करेंगे, वार निकालना सीखेंगे, वार निकालना सीखेंगे। आप इनको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, शताब्दी क्या होती है, आगे की दो डिजिट हमेशा शताब्दी को डिनोट करती है। चाहे आप 1600 से 1699 तक भी जाएंगे ना, तब भी वो कौन सी सेंचुरी कहलाएगी, वो 16वीं शताब्दी ही कहलाएगी। तो इट मीन उसका कोड क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, 1600 से 1699 तक जो कोड रहेगा वो 6 ही रहेगा। वैसे ही 1700 से 1799 तक जो कोड रहेगा वो 4 ही रहेगा। वैसे ही 1800 से 1899 तक कोड क्या रहेगा, 2। और 1900 से 1999 तक भी क्या रहेगा, कोड 0 रहेगा। तो आइएगा क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किए हैं, नीचे कोड लिखे हैं, मंथ के कोड और शताब्दी कोड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वार ज्ञात करना। दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं वार ज्ञात करना, और वार ज्ञात करना में पहले पढ़ने जा रहे हैं एक सिंगल डेट का, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल वार का। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल है अपना 20।
20 मई 1990 को कौन सा वार होगा। दोस्तों अपने पास जो वार करने के जो ज्ञात करने के जो तरीके हैं वो सभी बुक्स में या सभी किताबों में अलग अलग हैं। किसी में क्या मेथड है, किसी में क्या मेथड है, मुझे जो अच्छा मेथड सही लगता है वो मैं ये यूज करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है एक ही लाइन में आंसर निकल के आता है। इसके दो मेथड और हैं जिससे भी अपन वार ज्ञात कर सकते हैं। ये मेथड देखिए, अपन इसी को ही फॉलो करेंगे। 20 मई 1990 के कौन सा वार था, तो अगर आपको वार ज्ञात करना है तो 5 स्टेप में अपना आंसर आने वाला है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहने वाली है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या करेंगे, गिवन डेट लिखेंगे। क्या करेंगे, गिवन डेट, ये रही। स्टेप नंबर टू क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू करेंगे गिवन मंथ कोड। अगर लीप वर्ष है तो उसका कोड डाल देंगे, और नॉन लीप वर्ष है तो उसका कोड डाल देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में क्या करने वाले हैं, शताब्दी कोड को लिखने वाले हैं। उसके बाद स्टेप नंबर फोर में क्या करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं गिवन ईयर। और स्टेप नंबर फाइव में क्या करने वाले हैं, आप लीप ईयर इन गिवन ईयर। गिवन ईयर के अंदर आपको कितने लीप वर्ष मिले हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये पांच स्टेप है, इन पांच स्टेप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पांच स्टेप मैंने लिखवाई है आपको, और मैं आपको निकालने जा रहा हूँ वार। चलो इधर देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेट लिखेंगे 20, फिर क्या करेंगे मई का कोड लिखेंगे। मई का कोड क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। कौन सा साल है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो मई का कोड 1 होगा। उसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी कौन सी है, आगे की दो डिजिट हमेशा सेंचुरी को बताती है, सेंचुरी 19वीं है। 1900 से लेके 1999 तक जो आपका कोड रहेगा क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 ऐड कर दिया। प्लस गिवन ईयर लिखेंगे 90, प्लस इस 90 ईयर्स के अंदर लीप वर्स कितने हैं, तो लीप वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 का भाग लगाते हैं। कितने टाइम जा रहा है, 22 टाइम जा रहा है, तो जितने टाइम जाता है वही क्या होते हैं अपने लीप वर्स होते हैं। तो लीप वर्स कितने हैं, 22, और इन सभी में क्या किया जाता है, 7 का डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, 7 का डिवाइड किया जाता है। चलो फास्ट करते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा, 20+1 कितने, 21, 7 से कट जाएंगे, 0, 0 ऑलरेडी कटा हुआ है। 22 में डिवाइड करेंगे, 7 का 1 रिमेनिंग, 90 में डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, कितना बच गया वापस से, 6+1 7, यानी 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या आया, 0। और 0 होता है, तो क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 0 विषम दिन होता है, तो कौन सा वार होता है, अपना जो वार होता है वो होता है रविवार। कौन सा वार होता है, रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। दोस्तों 20 मई 1990 को कौन सा वार था, रविवार था। इस कोड की हेल्प से आप क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हैं, क्लियर, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। और कोड आपको रटना तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको इनको लर्न करना या कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैंने सिखाया है, क्लियर। अब चलते हैं इस अध्याय में, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि जब आपको दो दिनांक दे रखी हो तो किस प्रकार से आप वार ज्ञात करेंगे। चलिएगा यहां देखिएगा सभी, वार ज्ञात करना जब दो दिनांक दे रखी हो, क्या दे रखी हो, वार ज्ञात करना जब दो दिनांक दे रखी हो तो क्या करेंगे अपन, देखो इधर देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, अगर 15 अप्रैल 2017 को शनिवार है, क्या है साहब, शनिवार है, 15 अप्रैल 2017 को शनिवार है,
तो 27 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा? देखिएगा कैसे निकालेंगे अपन इनको। इनको सोल्व करने के लिए पहले तो अपने को देखना है जो अपने को दिया गया है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, यानी क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए किया दिया गया है। गिवन हमेशा कभी सही नहीं होगा, कभी कभी कोई रेयर केस है जिसमें सही आ जाए, वरना जो गिवन आपको गिवन है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा फिर? सही ये होगा आपको निकालना पड़ेगा सही। और निकालेंगे कैसे? वही जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। चलो पहला वाला निकालते हैं, 15 अप्रैल 2017। क्या कर रहे हैं अपन? 15 अप्रैल 2017 का वार निकाल रहे हैं। तो गिवन डेट प्लस लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है? नॉन लीप वर्ष है, तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा? अप्रैल का कोड हो जाएगा 6 प्लस सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी है। 20वीं सेंचुरी तो कोड कौन सा होता है बोलो? इसका कोड जो होता है वो होता है 6 प्लस। गिवन ईयर लिखो प्लस गिवन के अंदर लीप वर्ष लिखो 4, और सब में क्या कर दो? 7 का डिवाइड कर दो। डिवाइड भी देखो कैसे करना है आपको, 15 और 6 21, 7 से डिविजिबल है, 0-0 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 6 और 17 है, 17 है तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 14 के बाद 3 रिमेनिंग, 3 और 4 ये भी कट, 6 बच गया। कितना बच गया? 6 बच गया, यानी 6 बच गया। और 6 को क्या होता है? शनिवार होता है। ये तो अपने भाग्य की बात थी कि जो मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिया 15 अप्रैल 2017 को शनिवार था, मुझे नहीं पता कि कौन सा वार था, मैंने तो क्वेश्चन को सिर्फ रैंडमली बनाया था और शनिवार निकल गया, यानी जो दिया गया है बिल्कुल एग्जैक्ट दिया गया है, और जो निकलेगा वो भी क्या होगा? वही होगा। अगर मान लीजिए, लेट सपोज, अगर आपको इसी क्वेश्चन को आगे करेंगे, अगर आपका शनिवार नहीं आता, लेट सपोज मान ले कि जैसे कि गुरुवार आ जाता, क्या आ जाता? गुरुवार आ जाता, तो गुरुवार अपना तो अपने को तो शनिवार लाना है, तो गुरुवार से शनिवार कैसे आता है? प्लस टू करने पे आता है। तो वैसे ही 27 अगस्त 2021 को जो वार आता उसमें क्या करना पड़ता? टू ऐड करना पड़ता, सेम मेथड अपने को अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए शनिवार आ चुका है, तो 27 अगस्त का निकाल लेते हैं जल्दी से। 27 अगस्त 2021 का निकालना है भाई, तो गिवन डेट लिखो, वार देखो कौन सा है, नॉन लीप ईयर और अगस्त में जाना है, अगस्त में जाना है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड हो जाएगा 2 प्लस। उसके बाद शताब्दी कौन सी है? 6 प्लस। गिवन ईयर लिखो 21 प्लस, इसमें लीप ईयर्स लिखो कितने हो जाएंगे? 5। 5 क्यों हो जाएंगे? 21 में 4 का डिवाइड करो कितने आएंगे? 5। 5 टाइम्स यानी 4 से डिविजिबल है 21, तो ये क्या हो जाएंगे अपने? वो डेज हो जाएंगे। 7 से कर दो डिवाइड, 21 तो वैसे ही कट रहा है। उसके बाद देखो और क्या क्या कट रहा है, 27 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जो 21 होता है, यहाँ कितने आ जाएंगे? 6। 6 और 2 8 और 6 14, चलो ये भी निकल लिया, ये भी यहाँ से निकल लिया, कितना बचा? 5। 5 बच चुका है और 7 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो कितने? 5 विषम दिन, और 5 विषम दिन होते तो क्या होता है? गुरुवार होता है। क्या होता है? गुरुवार होता है, यानी कि बिल्कुल सही निकलेगा आपका, जो यहां निकला है सही निकला है। मैच करो, गिवन से मैच करो, गिवन से मैच करेंगे तो मिल रहा है, ये जो निकलेगा ये भी सही निकलेगा, यानी कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार अपना आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को क्या है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां देखिएगा, लेट सपोज 15 अप्रैल 2017 को क्या है, क्या है अपना? शनिवार है, मैंने मान लिया कि सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो अपना आंसर क्या आया? शनिवार आया। क्या आंसर आया? शनिवार आया। सोमवार लाने के लिए अपन क्या करेंगे? शनि में प्लस टू ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सोम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोम आ जाएगा, यानी इससे मैच हो गया, उससे मैच करवाना है गिवन से, गिवन से मैच हो गया। ये क्या आया? गुरुवार। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, गुरुवार आया अपना, गुरुवार आया, तो गुरुवार क्या अपना आंसर होगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल अपना गुरुवार आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों इसका, गुरुवार
प्लस के टू, टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ टू किया है तो यहाँ भी प्लस टू करना पड़ेगा, यानी कि शनिवार। अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा इस कंडीशन में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस वाली कंडीशन में आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये थी आपकी, जब आपको डबल डेट दे रखी हो तो आप गिवन डेट के अंदर वार कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप से आपको वार फाइंड आउट करना है, और गिवन डबल डेट में भी आपको सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। दोस्तों आपको डे अलग है, मंथ अलग है, और ईयर भी अलग है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, क्या नोटिस करने वाली है कि आपको जो दो दिनांक दी गई है ना, वो अलग अलग हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। जब दो दिनांक के अंदर अपना डे सेम, मंथ सेम, और वा ईयर अलग अलग हो, जैसे कि यदि 10 दिसंबर 2017 को रविवार था, क्या था दोस्तों, 10 दिसंबर 2017 को रविवार था, तो 10 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा। अब इस टाइप के प्रश्न को अपने को हल करना है, इस प्रकार के प्रश्न को अपने को क्या करना है, हल करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा सभी, यहाँ आपको दो चीज़ें कॉमन हैं, डे एंड डेट, डे एंड मंथ कॉमन है। जब कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास प्रश्न आ रहा है तो आप उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, देखो सीधा डायरेक्टली क्या करना है आपको, 2017 से 2022 पे आना है बस। कितना प्लस होके आ रहे हैं, 5 प्लस होके आ रहे हैं, 2017 से कहाँ आ रहे हैं, 2022 पे आ रहे हैं, कितना प्लस 5 करके आ रहे हैं। लेकिन इन 5 सालों में कोई ना कोई तो लीप वर्स आया होगा, जी हाँ आया होगा, कौन सा, इनके बीच में 2020 जो क्या रहा होगा, लीप वर्ष रहा होगा, उसमें फरवरी कितने की रही होगी, 29 की रही होगी। तो प्लस 5 करने के बाद आप प्लस क्या करेंगे, 1 भी करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 भी करेंगे। और ये जो 6 है आपका, ये जो आपका 6 है, ये क्या कर देंगे आप, गिवन वार के अंदर रविवार प्लस 6, गिवन वार के अंदर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब रविवार में 6 जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, शनिवार मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, शनिवार मिलता है, क्योंकि रविवार में 0 होता है और 6 ऐड करना है, 6 को क्या मानते हैं, शनिवार मानते हैं। ऐसे किया करो, ऐसे क्वेश्चन फास्ट होगा। तो डबल डेट के अंदर अपन ने क्या सीखा, जब आपकी सब कुछ अलग अलग हो, डे भी अलग हो, मंथ भी अलग हो, और ईयर भी अलग हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, डे एंड मंथ तो सेम हो लेकिन ईयर अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, एक और कर लेते हैं। यदि 15 फरवरी 2020 को, यदि 15 फरवरी 2020 को इस बार रविवार नहीं लेते हैं, इस रविवार को हटाते हैं और बुधवार को लाते हैं, बुधवार था तो सत्रह अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा, 17 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या सेम है, इसमें आपका जो सेम है ईयर सेम है, ये वाला क्या है, दोनों ईयर सेम है। क्या अलग अलग है, आपका डे और मंथ अलग है। जब भी डे और मंथ अलग अलग होता है और सेम ईयर होता है तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, 15 फरवरी 2020 को तो आपको गिवन है, यानी कि अब फरवरी के अंदर और कितने दिन बचेंगे, फरवरी के अंदर और कितने दिन बचेंगे। दोस्तों 2020 से तो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष से तो 29 का होगा,
29 में से आप 15 को माइनस, 15 का आपको दिया गया है, 15 का दिया गया है तो कितने दिन और बच गए? 29 माइनस के 15, ये किस में बच गए? फेब में बच गए। उसके बाद मार्च, मार्च में कितने? 3। अप्रैल में कितने? 2। मई में कितने? 3। जून में कितने हैं? +2। जुलाई में +3। जुलाई में कितने हैं? +3। और अगस्त में कितने हैं? +। कहाँ जाना है, कौन सी डेट का निकालना है आपको? आपको निकालना है 17 का। तो 17 तक जाएंगे? जी हाँ, 17 तक जाएंगे, पूरे नहीं लेंगे, जिसका पूछा है वहीं तक लेंगे। तो ये हैं ओड डेज। ये मार्च के 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा? देखो, मार्च में 31 होते हैं, 7 का डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा। अप्रैल में 30 होते हैं, 7 का डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा। मई में कितने होते हैं? वही 31 होते हैं, 3 होगा। जून में कितने होते हैं? 30, 2 होगा। जुलाई में 31, 3 होगा। अगस्त में भी 31 होते हैं, बट 17 अगस्त तक ही निकालना था, इसलिए 17 पूरा लिख दिया। इन सभी को ऐड करके किसका डिवाइड कर देंगे? 7 का डिवाइड कर देंगे। दोस्तों यहाँ देखिएगा, 29 में से 15 जाएगा, 14 +3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 और 3, 13 +17 डिवाइडेड बाई 7। ये देखो 14 तो उड़ गया, 17 में 7 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 14, और कितना बच रहा है? 3, 1 टाइम जाएगा और कितना बच जाएगा? 6। रिमेनिंग कितना है? 6 + 3 यानी कि 9/7, फिर 2 बच गया साहब, 2 शेष बच चुका है, 2 शेष बच चुका है। क्या है आपके पास? बुधवार। तो गिवन वार में क्या कर दो? बुधवार में आप क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो, शुक्रवार अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह से आप मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या पूरी रीजनिंग आप मेरे से डिटेल में या बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी पिछली क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से ऐप पर पढ़ रहे हैं तो ऐप पर पढ़ते वक्त अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आ जाता है या अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा फील करते हैं कि नहीं मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा? आपको करना होगा डीजे सर क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आपको स्टोर पे जाकर टेस्ट 1 लेना होगा। टेस्ट 1 लेने के लिए इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 99 रुपीज़ रखी गई है और इसकी जो वैधता है दोस्तों वो 1 साल के लिए है। तो यहीं तक आज अपन क्या करते हैं, आज की क्लास रखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत और बच रहा है, उसको मैं कवर करवाऊंगा, फिर इसको अपन फिनिश करेंगे कल। तो तब तक के लिए बनी रहिएगा मेरे साथ, मैं था आपका सूरज शर्मा जो आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। हैव ए नाइस डे।